नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और तो बहुत सारे दोस्तों का जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा है कि जो वनारक्षी होता है यानी कि फॉरेस्ट गार्ड, उसका जो है प्रमोशन जो है कितने साल में होता है और सैलरी का क्या स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि जो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि सैलरी का, तो जो इस समय ये उत्तराखंड में वनारक्षी का जो सैलरी का जो ग्रेड पे है वो 2000 ग्रेड पे है। जैसे कि कर्नाटका हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इधर का तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जो इधर उत्तराखंड में है 2000 ग्रेड पे की जॉब है। तो इसमें जो बेसिक पे होता है 21,200 होता है, प्लस जो भी अलाउंसेस होते हैं उसको आप काउंट कर सकते हैं कि कितनी मिलेगी सैलरी। और दोस्तों, और मैं आपको ये बता दूं कि जैसे जो वनारक्षी होता है और इसमें जो है साल में जो है एक बार जो है आपका जो है 3% डीए बढ़ता है, यानी कि हर साल ही बढ़ती है। तो डीए मतलब कि डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता। तो हर साल आपकी सैलरी में जो है 700-800 3% जो ग्रेड पे होता है उसका 3% बढ़ता है, तो 700-800 के करीब बढ़ेगा, तो सैलरी में जो हर साल बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट बॉक्स में ये कमेंट देख रहा था कि जो वनारक्षी का प्रमोशन होता है वो कितने साल बाद होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो एक वनारक्षी होता है जो उसका प्रमोशन होता है वो आपका 10 साल बाद होता है। 10 साल बाद जो है एक वनारक्षी वन दरोगा के पद पर पदस्थ हो जाता है। तो प्रमोशन में कई चीज़ देखी जाती हैं, जैसे कि सीनियरिटी होगी और डिपार्टमेंट में उस समय जो है फॉरेस्टर यानी वन दरोगा के पद खाली हैं या नहीं है, तो कई चीज़ें होती हैं। अगर आप फॉरेस्टर वन दरोगा अगर 10 साल में नहीं भी बने तो आपका जो है ग्रेड पे जो है वन दरोगा का 10 साल बाद लग जाएगा। और जैसे अगर सीनियरिटी होगी और पोस्ट खाली है तो आपको जो है वन दरोगा के उसमें वो कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे, और नहीं तो आपका जो है आपका ग्रेड पे फॉरेस्टर का मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर मैं वर्दी की बात करूं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वनारक्षी में वर्दी कैसी होती है। तो दोस्तों, वर्दी जो है वनारक्षी और वन दरोगा की सेम ही है, और सिर्फ एक मेन डिफरेंस ये है कि जो दरोगा जी होते हैं उनके यहाँ पर जो है 2 स्टार लग जाते हैं, बाकी जो फित्ती देख रहे हैं आप और शूज़ हो गए तो सब सिमिलर रहता है। सिर्फ एक अंतर ये रहता है कि वर्दी में सिर्फ यहाँ पर जो है 2 स्टार लग जाते हैं वन दरोगा के। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के ये भी मैसेज आ रहे हैं कि पुलिस कांस्टेबल और वनारक्षी में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता दूं, जो पुलिस कांस्टेबल होता है वो पुलिस आरक्षी होता है, वैसे ही जो है इधर जो फॉरेस्ट में जो वन आरक्षी होता है वो फॉरेस्ट गार्ड होता है, यानी कि वन बीट अधिकारी होता है, क्योंकि वो बीट का अधिकारी होता है इसलिए उसको वन बीट अधिकारी भी बोलते हैं। मतलब दोनों पोस्टों में सिमिलैरिटी है, सेम ही है मतलब। और 2000 ग्रेड पे की जॉब आपकी पुलिस आरक्षी भी है और 2000 ग्रेड पे की जॉब हमारे यहाँ वन आरक्षी भी है। तो जो पुलिस और फॉरेस्ट में काम है दोनों आरक्षियों का, जो पुलिस का काम है जो वो जो है सिविल को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, देखना, और वैसा ही है फॉरेस्ट में जो वन आरक्षी होता है इसका काम जो है जंगलों को प्रोटेक्ट करना, जो पेड़ पौधे हैं उसको प्रोटेक्ट करना, और सेम काम जो एक सिविल पुलिस अपने सिविल क्षेत्र में करती है वही काम जो है एक जो फॉरेस्ट में जो है जो वनारक्षी होता है वो काम जो है फॉरेस्ट में करता है। मतलब सेम है, बस उधर जो है आपका नागरिक आ जाता है और इधर जो है आपके ये पेड़ पौधे यानी जंगल आ जाता है, भाई यही एक मेन डिफरेंस है। तो मैं जो है फॉरेस्ट ब्लॉग बनाता हूँ, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी देता हूँ, बर्ड्स हो गया और जो वाइल्ड एनिमल हो गया। अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू।